गर्मी बढ़ते ही लैंसडाउन विधानसभा में पानी की भारी किल्लत होनी शुरू हो गई है। ग्रामीण गड्ढे से गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल मामला है नैनी डांडा ब्लॉक के खदरासी गांव का, जहां 60 परिवार में लगभग 300 सदस्य रहते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर योजना के बाद भी लैंसडाउन विधानसभा में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। विभाग के ठेकेदारों के द्वारा गाँव में ही घर नल तो लगवा दिया गया है, लेकिन नल में जल नहीं है। यही हाल गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। विद्यालय में पीने का पानी नहीं है। भोजन माता बच्चों को गड्ढे से गंदा पानी निकाल कर पिलाने को मजबूर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण गड्ढे से पानी निकाल कर ले जाने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में इन्होंने गड्ढे को पनघट बनाया है। नदी में भी गंदा पानी रहता है। कई बार शिकायत के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं जब इस संबंध में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा तो सिर्फ इतना कि बिना जांच के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर जांच की जाएगी और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि इन ग्रामीणों के घर पर लगे नल पर जल कब तक पहुँच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन। कितना पानी चाहिए इन्होंने अपनी मनमर्जी का वो किया। सर्दियों से लेकर के अभी तक पानी नहीं है। सर्दियों में आया थोड़े दिन, उसके बाद में जैसे जैसे गर्मी पड़ी है तब से पानी नहीं है। अभी हमारे लिए पानी की ये समस्या है कि जो हम ये डब्बे लेकर के एक एक डब्बे लेकर के अपना गुजारा कर रहे हैं।